कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने गंगा नदी के पानी की शुद्धता के लिए अद्भुत चमत्कार किया है। वैज्ञानिकों की माने तो पवित्र नदी गंगा के कुछ हिस्से में तो पानी पीने के लिए पर्याप्त स्वच्छ भी हो गया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण बोर्ड के अनुसार हरिद्वार में फोकल कोलीफार्म में 34% और बायोकेमिकल ऑक्सीजन की मांग में 20% की कमी आई है। पवित्र शहर हरिद्वार हर की पौड़ी में माँ गंगा नदी का जल स्तर की गुणवत्ता को पीने के लायक रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक बड़ी सफलता है जो पिछले कई हजार सालों से कई योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए के खर्च के बाद भी नहीं हो पाया। इस विषय पर पर्यावरण वैज्ञानिक और प्रोफेसर बीटी जोशी के अनुसार पवित्रता का उल्लेखनीय स्तर किसी भी औद्योगिक प्रदूषकों और कचरे के अभाव के कारण है। यह लंबे समय के बाद माँ गंगा की जल गुणवत्ता है। भारत में कोरोना लॉकडाउन के दौरान गंगा नदी के जल स्तर में अद्भुत सुधार हुआ है। गंगा माँ का जल स्तर देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। वाकई इस लॉकडाउन का बड़ा सार्थक असर देखने को मिल रहा है। बात अगर किनारों की करें तो तली तक साफ निर्मल जल कल कल की ध्वनि करता प्रवाह में बह रहा है। आप दर्शन कर रहे हैं श्री आनंदेश्वर परमठ दरबार के मुख्य द्वार के। बाबा के दरबार को दर्शन करने वालों के लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से पट बंद कर दिए गए हैं। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं उपस्थित हूँ श्री आनंदेश्वर दरबार परमठ कानपुर नगर में। गंगा के जल स्तर की अगर हम बात करते हैं तो इस समय गंगा का जल स्तर बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है। इसी संबंध में हमारी परमठ स्थानीय निवासी श्री अंकित द्विवेदी से हुई विशेष वार्ता। इस पूरे लॉकडाउन में जैसा कि कल आपने देखा ही कि किस तरीके की भारी तूफानी बारिश, ओले भी पड़े कई जगहों पर। मुख्यतः आज हमारा मेन पर्पस है अपने गंगा जी के जल स्तर के ऊपर कुछ प्रकाश डालना। जैसा कि पिछले कई दिनों से सभी अपने घरों में सुरक्षित लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कोई भी घाटों पर आवागमन किसी तरीके का नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं और इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं अंकित द्विवेदी जी। नमस्कार अंकित द्विवेदी जी, जय बाबा की। जय बाबा जी। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ संक्षिप्त में ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि पिछले एक लंबा समय सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित इस महामारी से लड़ रहे हैं, घाटों पे कोई भी किसी तरीके का आवागमन नहीं दिख रहा है। अगर हम गंगा जी के जल स्तर की बात करते हैं तो जैसा कि सबसे नज़दीक अगर कोई गंगा जी के है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रैक्शन आपका ही रहता है। क्या कहना चाहेंगे कि गंगा के जल स्तर पे किस तरीके का परिवर्तन आया है और इस विषय पे कुछ बताएं। सर, सबसे पहली बात तो गंगा जी के जल स्तर पे सबसे अच्छी बात ये समझ में आ रही है कि जल, आप अगर देख रहे हो हमारे पीछे, जल स्तर एकदम इसमें क्लीन जी। कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है इस लॉकडाउन के थ्रू जी, सारी चीज़ें, मशीनरी जितनी भी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों के एसियों से चलते थी निकलती थी, उसकी वजह से बहुत पोल्यूशन हो जाता था जी। अब इस समय क्या है कि कोई भी पोल्यूशन नहीं है जी, कि हमारे सौर मंडल में भी कोई पोल्यूशन विशेष नहीं है जी। तो उस स्तर पे देखा जाए तो सफाई कर्मी गंगा जी को साफ करने के लिए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई थी, हमारी सरकार भी जुड़ी हुई है जी। तो इतना जल स्तर साफ कभी नहीं देखा गया जितना इस समय लॉकडाउन के थ्रू हो रहा है जी। जी जी, निर्मल जल जिसको कहते हैं या और उसमें कोई खगोलिक व्यवस्था है ऐसी रही है जी, जी, जी। उसे हमारी समझ में, मैं तो ये नीरज पास में ही रहता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये अपने आप ही जल पूरा साफ हुआ जी। जिस भी माध्यम से हुआ हो लेकिन इसमें निर्मल जल
स्वच्छ जल है जी। और मैं सभी देशवासियों और नगरवासियों से एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने घर में रह करके लॉकडाउन का पूरा जो है विश्लेषण दिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं जी। तो इन सभी लोगों की, सभी देशवासियों, नगरवासियों, क्षेत्रवासियों को उनकी बातों पर गौर करें जी। और जैसे जैसे पालन बताए गए हैं उन सारे पालनों का पालन करते हुए आप अपने घर में जी व्यवस्थित रहें जी। बस मैं फिलहाल तो अभी आनंद से मंदिर में खड़ा हूँ, गंगा जी हमारे पीछे समक्ष देखें, निर्मल जल आपको स्वच्छ एकदम निर्मल दिखाई दे रहा हूँ जी।